रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। महिला IAS अफसर का सीनियर अधिकारी पर उत्पीड़न का आरोप, उत्पीड़न कब होगा खत्म? दोस्तों, अभी हाल ही में खबर आई है कि हरियाणा की IAS अफसर ने अपने सीनियर अफसर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। IAS महिला ने रविवार को फेसबुक पोस्ट लिखकर अपने साथ हो रहे शोषण का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि वे अब तक राष्ट्रपति कार्यालय और भारत सरकार को 53 शिकायत ईमेल लिख चुकी हैं, लेकिन अब तक आरोपी अफसर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हालांकि आरोपी अफसर ने सारे आरोपों को निराधार बताया है और कहा है कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं और झूठ पकड़ने वाली मशीन का टेस्ट देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन दोस्तों, ये कोई पहली घटना नहीं है जिसमें सीनियर ने अपनी ताकत का फायदा उठाकर उत्पीड़न किया हो। क्या किसी भी कार्यालय में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि महिला को कार्यस्थल में सुरक्षा प्रदान कर सके? महिला क्या कर सकती है अगर उनके साथ उत्पीड़न किया जा रहा है? विरोधी उत्पीड़न एक्ट 2013 के मुताबिक हर कार्यालय जहां पर 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, वे इंटरनल शिकायत समिति होना अनिवार्य है। सामाजिक न्याय विभाग, जो अधिनियम के तहत कार्यान्वयन एजेंसी है, ने ध्यान दिया है कि आंतरिक समितियां बहुत कम संगठनों में स्थापित की गई हैं। यहां तक कि सरकारी क्षेत्र में ऐसी समितियां नहीं हैं। दोस्तों, हमारा मानना है कि सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होता, जरूरी है कि उसका पालन हो रहा है कि नहीं, ये भी सुनिश्चित करे। अगर ये IAS अफसर अपनी आवाज नहीं उठाती तो शायद लोगों को पता ही नहीं चलता। 15 दिसंबर 2017 को लोकसभा के जवाब के मुताबिक कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न के 1971 मामले 4 साल में पंजीकृत थे, या हर दिन एक मामला दर्ज किया गया था। 2014 में 371 से 45% की वृद्धि हुई और 2017 में 539 12 दिसंबर 2017 तक बढ़ी। इसे किस तरीके से रोका जा सकता है? बहुत से महिला अपने ऊपर हो रहे उत्पीड़न की शिकायत नहीं कर पाती है। अगर हमें इस अपराध को रोकना है तो हमें कानून को मजबूत बनाना होगा। साथ ही ये भी देखना जरूरी है कि इस कानून को कोई पालन कर भी रहा है या नहीं। बहुत से कंपनी ने सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए एंटी उत्पीड़न सेल बनाया है। वहाँ सिर्फ फॉर्म में टिक किया जाता है, परंतु सही तरीके से इसको अभी तक लागू नहीं किया गया है।